मैं निशांत वर्मा माननीय सुप्रीम कोर्ट की लाइन दोहरा देता हूं, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब बताओ कौन से धर्म के भैया? तो इस देश का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, एक्सेप्ट करो, डाइजेस्ट करो, करो, डोंट ट्राई टू बिकम अ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर, जिनको यह बात पता थी। दोनों बैरिस्टर थे, दोनों बैरिस्टर थे, दोनों वकील थे, दोनों को पता था कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक ग्रुप इस्लाम है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। बस लड़ो उनके साथ, लड़ो। ये गंदगी जो है गोलवालकर के बंच ऑफ थॉट्स से चलती आई है, सावरकर से चलती आई है, हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से चलती आई है, कितने दिन चलाओगे, कितने दिन चलाओगे? जन जन को यह जागृति होनी चाहिए, घर घर ये बात पहुंचनी चाहिए, हर हिंदू को जो अपने आप को हिंदू कहता है उसको ये सवाल करना चाहिए अपने आप से। भेज दो ये वीडियो सबको ताकि वो ये सवाल मेरा सुन सके। हर हिंदू अपने आप से, जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो ये सवाल करे कि आपके, मेरे तो नहीं, आपके हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी 7 साल हो गए सरकार चलाते हुए, इन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी करके या अपना खुद पार्लियामेंट में बिल पास करके हिंदू को धर्म क्यों नहीं बनाया आज तक? बड़े हिंदू सम्राट है, झाड़ूबाज, फेंकू झूठा मक्कार नारंगी संतरा, सॉरी समी कॉल्ड, अगर इनमें इतनी ही हिम्मत होती तो किस बात का, किस बात का इंतजार है? बना दे हिंदू को धर्म। सारा दिन हिंदुस्तान में ये है, हिंदुस्तान हमारे देश का नाम भी नहीं है, मेरे देश का नाम भारत इंडिया है। ये लाइव देखने वाले एक व्यक्ति से रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करें, लाइव खत्म हो जाए उसके बाद कॉल कीजिएगा। तो हाँ, अभी कॉल ना करिए, आप बाद में कॉल कीजिएगा, लाइव खत्म हो जाए, धन्यवाद। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि इस पूरी लय में अगर हिंदू को पहले धर्म बनाओ उसके बाद बात करो, और दूसरी बात ये समझ लो कि एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी तो कतई हिंदू धर्म के नहीं है, काउंटिंग के लिए हैं, जनसंख्या के लिए, और जिनकी संख्या और ओबीसी ज्यादातर सेम, तो इनकी संख्या तो आधे देश से ज्यादा, आधे देश की जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। बचे हमारे जैसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में आते हैं, वो तो हम तो माइनॉरिटी रह गए भैया। अब इस गेम को खेलने के लिए हिंदू को समझ लो भैया, हम तो माइनॉरिटी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी संख्या नहीं हमारी, सरकारी दफ्तरों में बैठ गए होंगे बाप बन के, वो बात अलग है, लेकिन असलियत में कोई संख्या नहीं है। किसान, एससी एसटी ओबीसी आदिवासी सब समझ लीजिए, अधिकतर ओबीसी, सारे नहीं, क्या आप तो सिर्फ काउंटिंग के लिए हिंदू हैं। इस देश का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, इसका यह मतलब नहीं कि कोई इस्लामिक रिपब्लिक बनानी है, वो नहीं बनाने देंगे हम, कतई नहीं बनाने देंगे, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इस बात से चिढ़ के ये कभी मुसलमानों से झगड़ते हैं, ये कभी सिखों से झगड़ते हैं, ये कभी क्रिश्चियन से झगड़ते हैं, क्योंकि ये है कौन? कुछ भी नहीं, और इनकी आइडियोलॉजी मीडिया घिस घिस के सारा दिन मोदी को बेच बेच के, मोदी बेचता है, मीडिया मोदी बेच रहा है, ऊपर गिफ्ट रैपर लगा दिया, आज ईसाई धर्म को, कल इस्लाम को, ज्यादातर इस्लाम को। भारत के मीडिया दो ही हाथ है मेरे पास, ये मैंने जोड़ लिए, और ज्यादा मोदी चातुकारिता में जाओगे तो दो पैर और है मेरे पास, कहीं मैंने वो जोड़ लिए तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। आपको मोदी को बेचना है, बेचो, बेचो, बेच दो, पाकिस्तान बेच दो, पूछ लो इमरान खान को खरीदता हो तो मुफ्त में दे देना, लेकिन देश के अंदर परिस्थितियां खराब करने के लिए कृपया मोदी को बेचते समय उस पर सिर्फ खाकी चड्डी पहनाए, ना कि किसी धर्म का लेबल लगाए। इतनी सी मेरी इल्तिजा है, और मैं चाहता हूं कि हर घर के अंदर अब यह सवाल उठे। मैं इस सीक्वेंस में
जो आज डिस्कशन हुआ है, एक लाइव में और करूंगा इस हफ्ते, उसमें मैं सेकंड डिटेल में जाऊंगा। लेकिन ये मैंने थॉट प्रोवोकिंग चीजें आपको दी हैं, आप सोचिए, एक बार दोबारा देखिएगा ये पूरा लाइव, सोचिएगा कि हम किस